सो आज का वीडियो है शिमला के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे शिमला पहुंच सकते हैं ना चीपेस्ट वे और वहां क्या क्या एक्टिविटीज़ है करने के लिए। सो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। शिमला हिमाचल प्रदेश के सबसे लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक है और ये इंडिया का एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। शिमला इज़ ऑल फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हिल्स विच गिव्स यू अ फ्रेश एंड नेचुरल एक्सपीरियंस। दिस प्लेस इज़ मोस्टली प्रिफर्ड बाई कपल्स फॉर हनीमून। शिमला इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड हिल स्टेशन इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला में टोटल 3 रेलवे स्टेशन है और सबसे पॉपुलर एंड कन्वीनियंट स्टेशन है शिमला रेलवे स्टेशन, जो शिमला के एकदम मेन सिटी में है। शिमला में एक एयरपोर्ट भी है जो मेन सिटी से 22 किलोमीटर्स दूर है। आप ट्रेन एंड फ्लाइट के प्राइस के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए। सो ये था कि आप शिमला कैसे पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 5 चीपेस्ट विद बेस्ट रिव्यूज होटल्स टू स्टे इन शिमला। फर्स्ट होटल है लॉर्ड्स ग्रे डिलक्स। ये एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 960 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये शिमला रेलवे स्टेशन से सिर्फ 850 मीटर्स दूर है, 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर। सेकेंड होटल है होटल दलजील। ये भी एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1180 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये शिमला रेलवे स्टेशन से सिर्फ 600 मीटर्स दूर है, 11 मिनट्स लगेगा वॉकिंग डिस्टेंस से। थर्ड होटल है होटल बलजीज रेजेंसी। ये भी एक 3-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 1900 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये शिमला रेलवे स्टेशन से सिर्फ 800 मीटर्स दूर है, 14 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर। फोर्थ होटल है द केदार ग्रैंड होटल। ये एक 4-स्टार होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 3200 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये शिमला रेलवे स्टेशन से 650 मीटर्स दूर है, 11 मिनट्स लगेगा वॉकिंग डिस्टेंस से। फिफ्थ होटल है होटल मरीना। ये एक 5-स्टार और लग्जेरियस होटल है। इसका पर नाइट रूम का प्राइस पड़ जाएगा अराउंड 6600 रुपीज़ के आसपास फॉर 2 पर्सन्स। ये शिमला रेलवे स्टेशन से 1.7 किलोमीटर्स दूर है, 5 मिनट्स लगेगा कार से जाने में। सो ये था टॉप 5 होटल्स। अब मैं आपको बता देता हूँ टॉप 10 थिंग्स टू डू इन शिमला। नंबर 1 है क्राइस्ट चर्च। ये नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च है और शिमला का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। इस चर्च को बनाया गया था 10 जनवरी 1857 को और ये रोज़ खुला रहता है सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। सेकंड है जाखो मंदिर। ये एक बहुत पुराना और फेमस हनुमान जी का मंदिर है। ये जाखो हिल में लोकेटेड है जो पूरे शिमला का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है और जाखो हिल के टॉप से आपको शिमला का एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल जाएगा। थर्ड है राष्ट्रपति निवास। ये एक हिस्टोरिकल और शिमला का एक बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये शिमला के ऑब्जर्वेटरी हिल पर लोकेटेड है। एक्चुअली पुराने ज़माने के ये ब्रिटिश वॉयसराय का घर था। अब ये जगह फेमस है बहुत एंशियंट आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स के लिए जो ब्रिटिश रूल इन इंडिया के टाइम का है। फोर्थ है हिमालयन नेचर पार्क। ये वाइल्ड लाइफ नेचुरल पार्क शिमला से 18 किलोमीटर दूर लोकेटेड है और ये पूरे शिमला का एक बहुत फेमस पार्क है। यहाँ पर मोर देन 180 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड रेयर एनिमल्स प्रेजेंट है। आपको यहाँ स्नो लेपर्ड्स और मस्क डियर जैसी रेयर एनिमल्स एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगे। फिफ्थ है कुफरी फन वर्ल्ड। ये एक बहुत फेमस अम्यूजमेंट पार्क है जो लोकेटेड है कुफरी में, जो शिमला के मेन टाउन से 17 किलोमीटर्स दूर है। इस पार्क में आपको बहुत एक्साइटिंग एंड वंडरफुल राइड्स मिल जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। इस पार्क का एंट्री फीस है 250 रुपीज़ पर हेड और अंदर आपको कुछ राइड्स के लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। सिक्स्थ है जॉनीज वैक्स म्यूजियम। अनदर मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन इन शिमला इज़ द जॉनीज वैक्स म्यूजियम। ये शिमला रेलवे स्टेशन से 2.7 किलोमीटर्स दूर लोकेटेड है और इसका एंट्री फीस है 250 रुपीज़ पर पर्सन। इट्स ओपन एवरी डे फ्रॉम 10 AM टू 10 PM एंड इट हैज़ सम रियली कूल थीम्स फ्रॉम द फेमस हॉलीवुड सीरीज लाइक एवेंजर्स एंड हैरी पॉटर। सेवेंथ है गेटी हेरिटेज। ये एक बहुत ही बड़ा और फेमस कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आपको कुछ आर्ट गैलरीज, मल्टीपर्पज थिएटर, सिटी म्यूजियम एंड कॉन्फ्रेंस हॉल जैसी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिल जाएंगी। ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक और इसका एंट्री फीस है सिर्फ 10 रुपीज़ पर पर्सन। एट्थ है कालीबारी मंदिर। ये काली भगवान के एक बहुत फेमस और पवित्र मंदिर है। ये शिमला के मेन सिटी में लोकेटेड है और इसे बनाया गया था 1845 में। अगर आप शिमला घूमने जा रहे हैं तो इस मंदिर को एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। 9th है आर्मी हेरिटेज म्यूजियम। दिस इज़ अ फेमस म्यूजियम इन शिमला बेस्ड ऑन इंडियन नेशनल आर्मी एंड हिस्ट्री ऑफ देम। दिस प्लेस विल ऑल्सो प्रोवाइड यू देयर ओरिजिनल यूनिफॉर्म एंड नॉन वर्किंग वेपन्स।
It is located near the main town of Shimla and is highly educational to children. Its entry is free and is open every day from 10 a.m. to 2 p.m. and 3 p.m. to 5 p.m. Number 10th, extra activities. Aur last mein aap toy train trips, skiing, paragliding and rafting jaisi adventurous cheeze bhi explore kar sakte hain. So ye tha list of top 10 things to do in Shimla. Aur kisi bhi information ke liye aap Shimla ke official website ko prefer kar sakte hain ya fir aap mujhe mail bhi kar sakte hain. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और ट्रैवलिंग से रिलेटेड ऐसा ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब करिएगा. सो बाय एंड एंजॉय योर जर्नी.